हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन फैमिली पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या है पूरा मामला, जानेंगे पूरे डिटेल में। बने रहिए आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सैलरी और पेंशन है वो फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ड होती है, और सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो 2.57 गुना के बेसिस पर मिनिमम पेंशन 9000 रुपये तय की गई थी। साथ ही साथ कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन है वो 18000 रुपये की गई थी। उसके बाद में जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसके बाद में जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन और फैमिली पेंशन टोटली आपकी फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ड होती है। लेकिन इसके बाद में अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार आगे आने वाले दिनों में, मीडिया में अभी ऐसी खबरें आ रही हैं, सरकार आगे आने वाले दिनों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक कर सकती है। और ऐसा अगर वाकई में होता है तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। वो राहत की खबर कैसे होगी? बेसिकली राहत की खबर ऐसे होगी कि आपकी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने से, जो कि 2.57 गुना है, और अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है जो कि 3.68 गुना तक हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है वो 9000 रुपये से बढ़ करके 15 से 16000 रुपये हो सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 18000 रुपये, उसमें बढ़ोतरी होकर के वो 25 से 26000 रुपये तक पहुंच सकती है। और ऐसा हो जाता है तो पेंशन को स्पेशली बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब ये सिर्फ मीडिया में भी खबरें आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।